रुद्र और अनन्या नीचे जाने लगते हैं। कोई दरवाजा इतने जोर जोर से खटखटाए जा रहा था कि घर में सभी लोगों की नींद खुल गई। जब अनन्या और रुद्र नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन, पीयूष, समीर, संतोष, आयशा, तन्वी और स्वाति सभी एक साथ नीचे खड़े थे। सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि इतनी रात में दरवाजे पर कौन होगा। रुद्र बेटा, इतनी रात गए कौन होगा? आयशा ने कहा। आप डरिए मत चाची, मैं देखता हूं। रुद्र दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है। इतनी रात में कौन आ सकता है यार, पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, वो तो अब तभी पता चलेगा जब दरवाजा खुलेगा। जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। रुद्र ने हैरानी के साथ कहा, तुम? हाँ मैं। अंदर नहीं बुलाओगे? दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने कहा। आओ ना। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति घर के अंदर जाने लगता है और उसी के पीछे एक व्यक्ति और आता है। जब घरवालों ने उन दोनों व्यक्तियों को देखा तो सबको सांप सूंघ जाता है। वे दोनों पुलिस वाले थे। वो पुलिस वाला अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अजय देशपांडे है और मैं इस जिले का इंस्पेक्टर हूँ, और मैं साहब का असिस्टेंट माखनलाल, अजय के साथ वाले आदमी ने कहा। सुना है यहाँ पर आज शादी होने वाली थी? अजय ने कहा। हाँ पर हुई नहीं, रुद्र ने कहा। होती कैसे, दुल्हन जो भाग गई, माखनलाल ने हंसते हुए कहा। दुल्हन भाग गई है या उसे गायब करवाया गया है, ये तो माखनलाल केस की तहकीकात करने पर ही पता चलेगा, अजय ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। रुद्र अजय की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। अच्छा, एक बात बताओ माखनलाल, यदि तुम्हारे घर की होने वाली बहू बीच मंडप से अचानक गायब हो जाए तो क्या तुम इन लोगों की तरह ही घोड़े बेचकर आराम से सोओगे? पुलिस को इत्तला नहीं करोगे क्या? देखिए, हम लोग कल सुबह आपके पास आने ही वाले थे, संतोष ने कहा। सुबह तक तो बहुत देर हो जाती है अंकल, और आपको तो मालूम ही है इस गांव की औरतों के साथ क्या क्या होता है, अजय ने कहा। अगर हम आपके पास आते तो आप भी यही कहते कि जब तक दुल्हन को गायब हुए 24 घंटे नहीं हो जाते हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते, रुद्र ने कहा। लगता है बहुत कानून पढ़ा है तुमने, पर शायद तुम भूल रहे हो ये शहर नहीं गांव है, और गांव और शहर में बहुत फर्क होता है। हाँ पता है मुझे, पर आप मुझे इतनी रात गए मेरे घर आने का कारण बताएंगे? यार एक लड़की गायब हो गई है और तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि पुलिस क्यों आई है? इस केस की तहकीकात करने आए हैं हम, माखनलाल ने कहा। अच्छा, पर केस किसने दर्ज करवाया, रुद्र ने कहा। हाँ, हमारा नाम अजय पांडे है और हम इंतजार नहीं करते किसी के केस दर्ज करवाने का, अपने केस हम खुद ही दर्ज करवा लेते हैं। अब ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए मैं आप सभी से चाहूंगा कि इस पूछताछ में हमारी मदद करें, और जो सवाल आप सभी से पूछे जाएं उसका सही सही और सीधा जवाब दें। जी ठीक है पुलिस इंस्पेक्टर साहब, पूछिए आपको जो पूछना है, संतोष ने कहा। तो आपकी होने वाली पत्नी का क्या नाम था मिस्टर रुद्र? जी गौरी प्रजापति। अरे गौरी से याद आया, उसके माँ बाप कहीं नहीं दिखाई दे रहे, कम से कम उन्हें तो रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी ना। गौरी अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है, आयशा ने कहा। अच्छा तो कोई रिश्तेदार तो होगा? जी नहीं, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वाह भाई वाह, ये तो और हैरान करने वाली बात हो गई। माखनलाल, अपराधियों ने सोचा ऐसी लड़की को गायब करो जिसका कोई रिश्तेदार ही ना हो, कोई रिपोर्ट भी ना लिखवा पाए। कोई आंसू भी नहीं बहाएगा, है ना, यही सोचा था ना? जी मैं कुछ समझा नहीं, आप साफ साफ कहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, रुद्र ने कहा। मैं बस ये कह रहा था कि आपके पास उसकी कोई फोटो वगैरह है? जी नहीं। अच्छा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक तो फोटो होगी, आखिर रिश्ता जो जोड़ा है, अजय ने हैरानी के साथ कहा। जी नहीं, हमारे पास उसकी कोई फोटो नहीं है, आयशा ने कहा।
कहां पर और किस गांव की रहने वाली है ये तो पता ही होगा आपको, माखन लाल ने कहा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम गौरी के बारे में कुछ नहीं जानते, जो भी पता है वो दीदी को पता है। अच्छा, तो कहां पर है आपकी दीदी, बुलाइए उनको, उन्हीं से सब पूछ लेते हैं। जी उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, मैं चाहूंगा कि आप कल सुबह आ जाइए, संतोष ने कहा। ठीक है, पर एक बात बताइए, आप दोनों तो चाचा चाची है ना रुद्र के, फिर आपको ये भी नहीं पता कि आपके घर की होने वाली बहू कहाँ पर रहती है, कैसी दिखती है, ऐसे कैसे रिश्ता जोड़ लिया आपने? मैं तो जानकर हैरान हूँ भाई, अजय ने कहा। एक महीने पहले हम लोग मेरे मायके गए थे, जब हम वापस आए तो जेठानी जी ने हमें बताया कि उन्होंने रुद्र के लिए एक लड़की पसंद की है और उन्होंने उससे शादी की बात भी कर ली है। हमारे घर में जेठानी जी के खिलाफ कोई नहीं जाता, वो बड़ी है ना सबसे, और शादी की तैयारी जल्दी जल्दी में हुई जिस कारण हम लड़की को देख ही नहीं पाए, सब जेठानी जी ने ही किया है, आयशा ने कहा। अच्छा ठीक है, तो हम फिर कल आते हैं और आप सभी लोग तैयार रहिएगा सवाल जवाब के लिए, बहुत से पुराने जख्म ताजा होने वाले हैं, अजय ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं, सभी लोग अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगते हैं। रुद्र सीढ़ियां चढ़ रहा था कि तभी अर्जुन उसके पास आता है और उससे पूछता है, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये पुलिस वाला तुझसे कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर रहा था? करेगा कैसे नहीं, दोस्त जो था मेरा था, मतलब? मतलब बचपन में हम दोस्त थे पर अब दुश्मन बन गए हैं। दुश्मन बन गए, पर कैसे? वही तो मुझे भी नहीं पता यार, बचपन की बहुत सी बातें भूल गया हूं मैं। देख मेरे सिर पर ये चोट का निशान दिखाई दे रहा है, जब से बचपन में ये मेरे सिर पर लगा है ना, बहुत सी बातें भूल गया हूं मैं, और ऐसा ही निशान वो जो अभी अजय आया था ना उसके भी सिर पर है, रुद्र ने अपना निशान दिखाते हुए कहा। रुद्र के सिर के बाएं साइड छोटा सा काला निशान था, उस निशान को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके गिरने के कारण लगा है या किसी और वजह से गहरा घाव है। हाँ यार, मैंने तो कभी इस निशान पर गौर ही नहीं किया, कैसे करता, मैं अपने बालों के पीछे से छुपा कर जो रखता हूँ, पर यार मुझे ना ये अजय कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं दुश्मनी निकालने के लिए तुझे फंसा ना दे वो। भाई तू डर मत, और वैसे भी जब मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं? अरे यार तूने कुछ गलत काम नहीं किया, पर तेरे परिवार के लोगों ने तो किया है ना, याद है आज से 18 साल पहले मेघ गांव की एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, कहते हैं पूर्वजा द्वारा किया गया पाप उसकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। यार प्लीज वो बात याद मत दिला, जब से बचपन में वो औरत वाला कांड हुआ था ना मैं सो नहीं पाता था, तभी तो पापा ने मुझे शहर भेज दिया था, और फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि पापा की अचानक मौत हो गई है, पता नहीं पापा की मौत कैसे हुई थी, ये रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है, इसी वजह से माँ मुझे यहाँ गांव में रहने नहीं देती थी, कहती थी कि वो चुड़ैल मार देगी तुझे। क्या कहा, तू भरोसा करता है क्या इन सब बातों पर? यार पागल हो रहा है क्या, माँ जो करने को बोलती है बस वो कर लेता हूँ, चाहे अंधविश्वास ही क्यों ना हो फिर वो, क्योंकि तुझे तो पता ही है ना यार, कोई भी माँ कभी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेगी, वो अपने बेटे के लिए भगवान से भी लड़ सकती है। हाँ ये तो सही कहा तूने, पर एक बात बता, तुझे कैसे पता कि 18 साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था मेघ गांव में? दोस्त सच कभी नहीं छुपता, रुद्र पीछे पलट के देखता है तो तन्वी खड़ी होती है, तन्वी को देखकर रुद्र कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? बस तुम दोनों को देखा तो रुक गई। अच्छा तो तुम्हें भी पता है सब? मुझे कैसे नहीं पता होगा रुद्र, मतलब? अर्जुन बोला, मतलब यार भूल गया क्या तू, यहाँ पर आते वक्त राम काका ने हमको कहानी सुनाई थी। यार तेरी चोट की वजह से तू बचपन की बातें भूला है या कल परसों की बातें भी भूल जाता है? अरे हाँ, लगता है राम काका मुझे मेरे बचपन के सारे राज बताकर ही मानेंगे, रुद्र ने कहा। अर्जुन बोला, अच्छा चल ठीक है, अब सोने चलते हैं वरना बातें करते करते यहीं पर सुबह हो जाएगी, तन्वी बोली। हाँ चलो, तन्वी अर्जुन और रुद्र सोने के लिए जाने लगते हैं।
सभी लोग सो चुके थे। संतोष आयशा एक कमरे में सो रहे थे, तन्वी अनन्या और स्वाति एक कमरे में, और रुद्र अर्जुन पीयूष और समीर दूसरे कमरे में। सुबह के 4 बज रहे थे और अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। अर्जुन के बगल में ही समीर सो रहा था, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। क्या हुआ अर्जुन, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? समीर ने उठकर धीरे से अर्जुन से कहा। यार तलब लगी है। यार वो तो मुझे भी लगी है। तो फिर चलें? कहां चलें? बाहर और कहां, यहां पर थोड़ी पिएंगे। हाँ यार चल, पर तेरे पास रखी तो है ना? हाँ भाई रखी है, पर यार गेट तो बंद होगा ना हवेली का, और अगर इतनी रात को खोला तो सारे लोग जाग जाएंगे। ओहो, उसका भी इंतजाम है मेरे पास। हवेली के 2 गेट हैं, जो एक आगे खुलता है और एक पीछे को, तो हम पीछे वाले गेट से बाहर जाएंगे, और वो गेट ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा तो है। पर तुझे कैसे पता कि हवेली के 2 गेट हैं? राम काका ने बताया था जब मैंने हवेली के बारे में पूछा तो। समीर और अर्जुन हवेली के पीछे वाले गेट से बाहर चले जाते हैं। बाहर बाड़ा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। अरे अब निकाल ना, समीर ने कहा। हाँ भाई निकालता हूँ, सब्र कर। अर्जुन अपनी जेब में से सिगरेट और लाइटर निकालता है। कौन सी ब्रांड लाया है? वही हमेशा अमेरिकन। वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। अर्जुन अपने मुंह में सिगरेट रखता है और उसे लाइटर से जलाने लगता है। यार तेरी ना ये रात में सोने से पहले सिगरेट पीने की आदत अब तक नहीं गई। ओ यार आदत बनाई ही इसलिए जाती है ताकि छोड़े ना, और तुझे तो पता ही है मैं लेखक हूँ, जब तक एक दो कश अंदर नहीं खींचता कविताएं कागज पर नहीं उतरती। हाँ सही कहा, इस दुनिया में हर कोई अलग अलग रीजन से सिगरेट पीता है, कोई घर के स्ट्रेस के कारण, कोई नौकरी के कारण, तो कोई छोकरी के कारण। अच्छा इन सब का तो ठीक है, पर तू क्यों पीता है? कोई कोई शौक के कारण भी पीता है मेरे भाई। हाँ पर किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, वरना वो विनाश का कारण बन जाती है। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। अर्जुन और समीर बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ चीज ठोकने की आवाज सुनाई देती है। यार तूने वो आवाज सुनी? हाँ यार सुनी तो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े से कुछ ठोक रहा है। ये आवाज तो आगे वाले गेट से आ रही है। हाँ सही कहा, चल चल कर देखते हैं। रुक ना यहीं पर रुक, पीछे से चल, ये रास्ता आगे वाले गेट के पास जाता है। अर्जुन और समीर बाड़े वाले रास्ते से आगे जाने लगते हैं। वो दोनों जब आगे पहुंचते हैं तो दूर से ही खड़े होकर देखते हैं कि रुद्र की चाची हवेली के दरवाजे की दीवार पर हथौड़े से एक बड़ी और मोटी सी कील ठोक रही थी। अबे ये रुद्र की चाची आधी रात को इस दरवाजे पर इतनी मोटी कील क्यों ठोक रही है, और करना क्या चाहती है? भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, समीर ने कहा। आज दिन कौन सा है? अर्जुन ने पूछा। मंगलवार, पर क्यों? अच्छा जरा ये देख, जिस हाथ से चाची ने कील पकड़ी है उसमें रुद्राक्ष की माला भी है। हाँ है ना, पर तू बताएगा मुझे कि ये सब क्यों पूछ रहा है? यार रुद्र की चाची कीलन प्रक्रिया कर रही हैं। अच्छा अब ये कीलन क्या होता है? रुद्र की चाची एक हाथ से कील पकड़ी हुई थी और अपने दूसरे हाथ से हथौड़े से कील ठोक रही थी। वो एक ही मंत्र बार बार दोहराई जा रही थी। आज कीलू पास कीलू अपनी काया, जागदा मसान कीलू, बैठी कीलू छाया है सर का, कोट बर्मा की थाली मेरे घाट, पिंड का हनुमान वीर रखवाला। यार तू बताएगा ये कीलन क्या होता है? ओहो कीलन का अर्थ है सुरक्षा कवच, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को सुरक्षा कवच में बांधने की प्रक्रिया को कीलन कहते हैं, और बंधे हुए को मुक्त करने की प्रक्रिया को उत्कीलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन किया जाता है। इसमें आपके घर के दरवाजे पर कील ठोकी जाती है, पर ऐसा करने से बुरी आत्माएं आपको रोकती हैं। इसलिए हाथ में रुद्राक्ष पकड़कर मंत्र का जाप किया जाता है। पर रुद्र की चाची ये सब क्यों कर रही है?
हो सकता है कि उन्हें डर हो कि कहीं कोई बुरा साया घर में ना आ जाए, और घर के अंदर वो हो तो तुरंत बाहर निकल जाए। भाई ये गांव तो बहुत ही अजीब है, पहले दुल्हन का यूं अचानक गायब हो जाना, अब ये चाची का भोर में दीवार पर कील ठोकना। ये सब तो बस शुरुआत है मेरे भाई, आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। और मुझे तो लगता है कि कहानी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है।